वेलकम टू टॉक विद एसएस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC के बारे में। UPSC की तरफ से दो ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं, तो दोनों नोटिस के बारे में जानकारी यहां पे दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं, ये नोटिस है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे डेट पड़ी हुई है 17 मार्च 2023। विज्ञप्ति है ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक ये पाक कला ये पद का नाम है और यहाँ पे वर्ग एक के 3 पदों अनारक्षित 2 पद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 1 पद के सापेक्ष विज्ञापति संख्या इतनी भर्ती अनुभाग इतने दिनांक 14 जून 2019 द्वारा कुल 60 अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर अपलोड कराई गई थी। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराए गए प्रपत्र शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पर्याप्त संख्या में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेख प्रेषित नहीं किए जाने के कारण विज्ञापित अनिवार्य अर्हता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबंध और भोजन प्रबंध प्रौद्योगिकी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा के सापेक्ष शेष अभ्यर्थियों के प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर परीक्षाएं किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे टेबल दी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्रम संख्या 1 और विज्ञापन संख्या ये दी गई है। ये विभाग का नाम है निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ और जो पद नाम है मतलब पद का नाम निदेशक पाक कला वर्ग 1 पदों की संख्या 3 कटाफ प्रतिशत जो है वो यहाँ पे 45% तक अंक प्राप्त करने वाले समस्त चिन्हित अभ्यर्थी, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वेबसाइट है UPSC के होम पेज पर एग्जामिनेशन या इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड फॉर्म एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विकल्प पर क्लिक करके उक्त पद की प्रदर्शित सूची में अपने नाम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर की पुष्टि करते हुए सम्मुख अंकित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में निर्धारित कटाफ तक प्राप्तांक प्रतिशत धारित करने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर आवेदन पत्र प्रमाणीकरण पत्र निदेश देशना पत्रक एवं अंक तालिका पत्रक डाउनलोड कर मुद्रित करेंगे और वांछित सूचनाएं भर के जो आपका विज्ञापन है उसमें अनुदेशक पाक कला वर्ग 1 पद हेतु विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अधिमानी अर्हता से संबंधित उसके समस्त सुसंगत अभिलेख यथा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता व अनुभव से संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र डिप्लोमा जात प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र इत्यादि की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन ये UPSC के एड्रेस पे भेजना है और दिनांक 17/3/2023 से अंतिम तिथि 6/4/2023 की शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब या तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए आप लोग या फिर खुद व्यक्तिगत तौर पर आप लोग वहाँ जाके जमा कर सकते हैं। और जो डेट दी गई है ये 6/4/2023, इसके बाद कोई भी स्वीकार नहीं किया जाएगा पत्र आप लोगों का, ठीक है। तो ये जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे इस भर्ती के वो लोग इस डेट से पहले पहले जमा करें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे नोटिस के बारे में। तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 17 मार्च 2023 को विज्ञप्ति जारी की गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग लखनऊ के नियंत्रणाधीन इलेक्ट्रीशियन के 1 पद के सापेक्ष विज्ञापित संख्या निकाली गई थी। तो इनका भी सब कुछ वही सेम है जो है 20 अभ्यर्थी जो है यहाँ पे ये कटाफ बनाई गई है 85.14 यहाँ पे अंतर है ये कंबाइंड है और ये 83.14 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने विज्ञापन 1 पद है यहाँ पे और इलेक्ट्रीशियन की ये पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आप लोग जो है UPSC की वेबसाइट पर जाके एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेगमेंट में डाउनलोड फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहाँ से अपना भर के सब कुछ और सचिव जी के एड्रेस पे UPSC के एड्रेस पे सचिव जी के पास पहुँचा देना है, या तो सेल्फ मतलब खुद पहुँचा दें या तो फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा पहुँचा दें।
इसकी भी लास्ट डेट जो है वो वही है 6/4/2023 5 बजे तक पहुंचा देना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट पहुंचेगा मान्य नहीं होगा इस भर्ती से रिलेटेड। तो ये दोनों ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए थे, दोनों की जानकारी दे दी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।